केतुवाड़े तीसरे क्रॉस लेन सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करती है। चलचित्र की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल मंडल आपके सामने पेश कर रहा है समुद्र मंथन। देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण कष्ट भोगने पड़ रहे थे और उधर दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। दैत्यराज के अधिकार और उसकी दुष्टता के बाद सभी देवता परेशान हुए और उस स्थिति से निवारण के लिए वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण का उपाय समुद्र मंथन बताया और कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है, उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है, इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना ही होगा। भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। ये लीला आदिशक्ति ने भगवान विष्णु के कच्छप अवतार और सृष्टि के संचलन के लिए रची थी। देव और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रथ निकले, जिनका बंटवारा देव और दैत्यों के बीच हुआ। हलाहल विष, घोड़ा यानी उच्चै श्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, देवी लक्ष्मी, अप्सरारम्भा, पारिजात, वारुणी देवी, चंद्रमा, धन्वंतरी देव, अमृत और शंख। वही शंख पर आरूढ़ अपनी बाप्पा की मूर्ति को अभिवादन करते हैं कि समाज में होने वाले स्त्री अत्याचार और बढ़ती महंगाई का समुद्र मंथन करे और सामान्य लोगों को उसमें से संभलने की शक्ति प्रदान करे। बोलो गणपति बाप्पा।